मैं अंशिका और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और हम अपने फर्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं वर्किंग क्लॉक, जिसकी बेस के लिए हमें चाहिए एक थर्माकोल की प्लेट या फिर आप एक कार्डबोर्ड का कुछ थोड़ा सा पीस ले सकते हैं जैसे कि मैंने लिया है। और अब हमें और क्या क्या सामान चाहिए ये देख लेते हैं। अगर आप भी हमारे तरह रोमन नंबर बना रहे हैं विद मैच स्टिक्स तो मैच स्टिक्स चाहिए, ग्लू और क्लॉक मशीन। अगर आप ये मैच स्टिक्स नहीं बना रहे, आपको ऐसे स्टिकर लगाना तो आप वो भी लगा सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा वीडियो जो है भगा भगा के ना देखें, क्योंकि बीच बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना होगा। और ये हमारी सेकेंड हैंड, ये हमारी मिनट हैंड और ये हमारा आवर है और एक सेल जो हमें ले लिया है सारा सामान। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं और हमें जो हमने अपना बेस लिया है इसमें एक होल करना है, जो होल मैंने कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। अगर आप भी छोटे हैं तो आप भी हेल्प ऑफ पेरेंट कर सकते हैं, अगर आप बड़े हैं तो आप खुद कर सकते हैं। मैंने इसको सीजर और कंपास के मदद से किया है। अगर आप बड़े हैं तो आप कटर की मदद से भी कर सकते हैं। आप इसमें हमें रोमन नंबर सीखने हैं तो हमें थोड़े मैच स्टिक्स निकाल लेने हैं। और अब हमें पहले लिखना शुरू करना है, तो पहले हमें एक स्टिक पे थोड़ी ग्लू लगा देनी है। अब हम 12 बनाने के बाद लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 12 चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 3 चिपकाना है, यहाँ 9 तो यहाँ 6, बिल्कुल एक सीक्वेंस में चिपकाना है। जैसे इसके बिल्कुल सामने हमें 6 चिपकाना है और इनके बिल्कुल सामने हमें अपना 9 और 6 चिपकाना है, 3 चिपकाना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारा कर लिया, ये हमारा 12, ये हमारा 3 और यहाँ पर हमारा 6 और यहाँ 9। अगर आप चाहें यहाँ पर 1, 2, 4, 5 और यहाँ पर 7, 8 और यहाँ पर 10, 11 कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं तो हम भी करेंगे। तो उसको भी करने के बाद मिलते हैं। तो ओके गाइस, तो ये हमारा बन चुका है और अब हमें अपने गाइस ये हमारा बन चुका है और हम करेक्शन पेन से इसमें जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन पेन चलाना है। तो चलते हैं चलाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जैसे थोड़ा बीच में वाइट वाइट हो। हमें एक मतलब आप ग्लिटर पेन भी चला सकते हैं अगर ये आपके थर्माकोल के। हम आपको ये करने के बाद मिलते हैं। तो हमने ये अपना करेक्शन पेन अच्छे से चला लिया है। अब हमें क्या करना है, अपनी क्लॉक मशीन लेनी है और हमें इसके जो पीछे हमने एक होल किया है ये देख सकते हैं आप, इसमें लगा देना है। अब ये हमारा लग चुका है और ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ आ गया है। अब हमें क्या करना है, अपना अपना आवर हैंड जो है उसको सबसे नीचे पहले इसको सूखने देंगे, जब ये सूखेगा तब करना है। तो अभी रुक जाइएगा गाइस, हम आपको सूखने के बाद मिलते हैं। क्यों?
ये ऑलमोस्ट सूख गया है। अब हमें सबसे नीचे अपना ये रखना है, जो ये नीचे रहेगा उसके ऊपर हमें अपना मिनट हैंड रखनी है, जो हमें इसको फिट करना पड़ेगा। और अब हमें अपने सबसे ऊपर अपनी सेकेंड हैंड रखनी है। अब पीछे हमें अपनी सेल्फ फिट करनी है। हम पीछे से टाइम सेट करते हैं, आपकी ये घटना भी हो सकती है कि बैटरी निकल गई नीचे भाग जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।